कि वो जिस तरीके से चाल चलते, जैसे वो, आप समझिए कि वो आज भी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जो उनके अंदर जो झलक दिखाई देती है, वो आज भी जो स्लम एरियाज में जो एनजीओ वाले काम करते हैं उनकी वही झलक है। उनकी जो भाषा शैली है उसको आप विधानसभा में देख लीजिए, कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई मुख्यमंत्री बोल रहा है। वो ऐसी भाषा, इतनी गंदी भाषा बोलते हैं, इतनी गंदी लैंग्वेज, इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि सचमुच शेमफुल है। हालांकि लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री है चुनी हुई सरकार के, तो अगर आप देखें कि जिस राम का, जिस मंदिर का, अयोध्या के ऊपर ये ऑब्जेक्शन उठा रहे थे आम आदमी पार्टी के लोग, जैसे जैसे बातें कर रहे थे, उसी राम मंदिर को भगवंत मान के चार्टर प्लेन में बैठ के वो अयोध्या चले जाते, दर्शन कर लेते और बाकायदा हाथ पकड़ के फोटो डालते अपने माता पिता की, जैसे इनसे बड़ा श्रवण कुमार कलयुग के अंदर पैदा नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भी तो एक बड़ी चुनौती है ना कि इतने झूठे आदमी से आप निपटोगे कैसे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली विधानसभा में चुनौतियों का पहाड़ है, ये बात तो सत्य है। लेकिन जैसे ही लोकसभा का विषय आता है तो भारतीय जनता पार्टी के पास ब्रह्मास्त्र है मोदी, तभी तो वो 7-0 से 2014 में जीते, 7-0 से 2019 में जीते। तो जो मोदी जी का कद है उनके सामने अरविंद केजरीवाल जी के जो ढकोसले हैं, ये जो रंग बदलने का जो उनका तरीका है वो बहुत ही छोटा और निम्न हो जाता है। और उसी बात को देखते हुए दिल्ली की जनता 2014 में भी 2019 में भी 7-7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देती चली आ रही है। लेकिन सर एक बड़ी चुनौती ये है, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, कहीं ना कहीं अकेले, अगर एक तरफ देखा जाए तो अकेले नरेंद्र मोदी हैं जो अपना काम कर रहे हैं और उनके काम को बताने की आवश्यकता नहीं है, वो दिखाई देता है। लेकिन सर जिस कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने की बात कहकर अरविंद केजरीवाल साहब की जो सरकार थी वो एमसीडी में आई थी, आज इतना समय गुजर जाने के बाद पहाड़ एज इट इज खड़े हैं। कल अखबारों में खबर भी छपी है कि नहीं खत्म होने वाले हैं ये। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों को क्यों नहीं उठा पाती है? क्या दिल्ली दिल्ली प्रदेश का जो इकाई है वो फेल है इस मामले में? दिल्ली प्रदेश की जो इकाई है, आपको पता होगा, मैंने पिछली बार भी बताया था और अभी फिर दोबारा बताता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी का वर्किंग स्टाइल कुछ इस तरीके का है, वो बड़े बड़े ऐड अखबार में देते हैं, बड़े बड़े ऐड टीवी के ऊपर देते हैं, जिससे उनका जो मीडिया मैनेजमेंट है वो इन खबरों को दिखाता नहीं। आपको पता होगा जमुना जी, अभी आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर बाढ़ आई थी जमुना जी की, तब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था 8 तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हो कि जमुना जी का पानी आईटीओ के ऊपर आ जाए जी। और 10 साल हो गए, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अब की बार जब छठ आएगी तो मैं गंगा जी में खुद स्नान करके दिखाऊंगा। अब गंगा जी में 10-11 साल हो गए, उन्हें 11 साल हो गए लगातार मुख्यमंत्री बने हुए, लेकिन जमुना जी वही टस्की मस है। अरविंद केजरीवाल इस काम के लिए बहुत ज्यादा चतुर हैं और ऐसा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके पास इनकी चतुरता और चपलता का कोई जवाब दिल्ली प्रदेश में नहीं है। मतलब बीजेपी इकाई भी अरविंद केजरीवाल की चतुरता से पीछे है कहीं ना कहीं? उनकी चतुरता से और उनकी चपलता से भारतीय जनता का पार्टी जो है वो उनसे पीछे है, इसमें तो खैर कोई शक नहीं। अभी आपने एडवर्टाइजमेंट की बात की, तो आज के टाइम में देखिए अरविंद केजरीवाल को जब कोर्ट से डांट पड़ी और कोर्ट ने कहा कि हम आपके एड को यहां बुक कर देते हैं, जब उनको 2-4 बार हड़काया तो इसके बाद केजरीवाल के एडवर्टाइजमेंट थोड़े से कम हुए। लेकिन आज उनसे भी ज्यादा पूरे देश के अंदर जो भगवंत मान पंजाब के जो एडवर्टाइजमेंट है, वो तो आप कोई सोशल साइट उठा के देख लीजिए, 10-10 ऐड, अगर सोशल एक खबर पे 10 ऐड, आप समझिए इतने एडवर्टाइजमेंट का, आप समझिए ना कि आखिर इसे रोकने के लिए, इसका इस सबको रोकने के लिए क्या हथियार है भारतीय जनता पार्टी के पास? कांग्रेस को तो चलिए हम गिनते नहीं है गिनती में। अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे आदमी है, बोलते मैं इंजीनियर हूँ और भारत के जो है इनकम टैक्स कमिश्नर के पद पर मैं जा सकता था, मैं वहां से छोड़ कर आया हूँ। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति ने 8 तक पिछले 11 साल में दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के बावजूद कभी किसी फाइल के ऊपर साइन नहीं किए। जो आदमी हमेशा अपनी पॉकेट में पेन रखता है लेकिन साइन करने से डरता है जी, पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में 1947 से रेनॉल्ड का पेन दिखाने का मतलब, इसका मतलब ये है कि उनके चरित्र का पाठ है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अरविंद केजरीवाल पूरे 1947 से लेकर आज तक के इतिहास में एकमात्र मुख्यमंत्री है जो एकदम निठल्ला है, जिसके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, जो 24 घंटे फ्री है। तो अरविंद केजरीवाल जिस स्तर की राजनीति कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि उस स्तर की राजनीति नहीं करती। ये फैसला तो जनता को लेना है, जनता का क्या मत है, जनता किसके ऊपर विश्वास करती है,
ये तो जनता जब वोट आता है तो उसके द्वारा बताती है। जैसे मैंने अभी पहले भी कहा और अभी फिर दोबारा कहा कि 2014 में 2019 के अंदर दिल्ली की जनता ने अपनी तरफ से बेस्ट जो होता है वो सबसे अच्छा मोदी जी को आगे रखकर और मोदी जी की नीतियों के अंदर विश्वास रखा। लेकिन दिल्ली के अंदर 2015 में और 2020 में दोनों बार उन्हें अरविंद केजरीवाल के ऊपर विश्वास आया, तब उन्होंने 10 सीट दी और 9 सीट दी। अभी जैसे दिल्ली के अंदर अभी 2022 के अंदर निगम का चुनाव हुआ था, 37 सीटें हैं वार्ड की, 37 में से भारतीय जनता पार्टी में से 13 सीट जीती, 1 सीट कांग्रेस जीती और बाकी 23 सीटें आम आदमी पार्टी को दी। इसका मतलब जो दिल्ली की जो लोकल पॉपुलेशन है, जो लोकल जनता है, वो समझती है कि हम स्थानीय मुद्दों के ऊपर अरविंद केजरीवाल ही हमारी मदद कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है उनके पास या तो नेतृत्व क्षमता नहीं है या इस तरीके का वो लोगों के अंदर अपना कॉन्फिडेंस नहीं दे पाए। लेकिन जैसे ही बात आती है राष्ट्रीय मुद्दे की और देश विदेश की बात, तो उन्हें लगता है कि मोदी जी से अच्छा कोई नहीं है और अरविंद केजरीवाल जी मोदी जी के सामने कहीं नहीं टिकते। नहीं, इसका एक दूसरा पहलू ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जो स्लम एरियाज में जो लोग रहते हैं, यानी कि जो उन्होंने एक नया मुद्दा गरीब आदमी का शुरू किया दिल्ली के अंदर, उन गरीब आदमी तक अपनी बात को सही तरीके से पहुंचा पाते हैं, उनके ब्रेन में डाल देते हैं, ये नहीं कह सकते आप। अरविंद केजरीवाल जी, ऐसा मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की जो इनकी इमोशनल स्पीच है, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस के अंदर यात्रा फ्री, उससे जो जो मेन पॉपुलेटेड एरिया है उन लोगों का कॉन्फिडेंस अरविंद केजरीवाल पे ज्यादा है। लेकिन जो लोग टैक्स पेयर हैं और जो लोग अपनी हिम्मत से या बहुत ज्यादा अच्छे सक्षम है, उन लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर। अभी आपको एक नया एपिसोड याद दिलाते हैं सर, आपको याद होगा कि जो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जल बोर्ड वाली है, तो जल बोर्ड के, क्योंकि एक तो जल बोर्ड के ऊपर कैद की सीएजी की तलवार लटकी हुई है, क्योंकि जल बोर्ड की ऑडिट के ऑर्डर हो चुके कोर्ट से और कैग उसकी ऑडिट कर रहा है। दूसरा ये कि जल बोर्ड में बहुत बड़ा घोटाला हो चुका है, हजारों करोड़ का घोटाला है। तीसरा ये कि उस घोटाले की वजह से जल बोर्ड का खजाना खाली है, फंड नहीं है। इस वजह से जो वन टाइम सेटलमेंट 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान वन टाइम सेटलमेंट स्कीम से होना था, इसलिए जो वित्त सचिव थे उन्होंने इस नोट को कैबिनेट में लाने से मना कर दिया। लेकिन केजरीवाल साहब ने विधानसभा में यह हल्ला मचा दिया लास्ट वाले दिन के, देखिए हम जनता को ये विश्वास दिला रहे कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम तो आके रहेगी। तो ये जो इस तरीके की जो चीजें हैं वो अपने जो गरीब आदमी, जो उनका वोटर है, वहां तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं। लेकिन इसके इसके अगेंस्ट बीजेपी कोई भी ऐसी चीज जिसको गलत तरीके से बताया जा रहा है उसको जनता तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं फेल रहती है। ये भी तो एक मुद्दा है, एक बात है। ये जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव आएगा, ये जब स्थानीय चुनाव आएगा, ये मुद्दे जबके हैं। अभी ये जो चुनाव है ये राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़ा जा रहा है और ये राष्ट्र को लेके लड़ा जा रहा है, भारत सरकार की नीतियों के लिए लड़ा जा रहा है। उसके अंदर तो सभी लोगों का एक ही मत है कि भाई जो मोदी जी कर रहे हैं वो सत्य है, या जो मोदी जी जो कर रहे हैं हमें उनको एक चांस और देना चाहिए। सारे सर्वों में सब जगह से यही रिपोर्ट आ रही है। तो ये जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं इनके ऊपर मोदी जी का कोई सानी नहीं है, और जो लोकल मुद्दे हैं उनके अंदर अरविंद केजरीवाल जी का चपलता का भारतीय जनता पार्टी के पास अभी तक कोई जवाब नहीं है। तो आपने ये जिस तरीके से सारी चीजें बताई, एक बड़ी बात जो मन में है और जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है उस पर भी एक जवाब आपसे ले लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस बार के लोकसभा चुनाव में अपनी ही पार्टी के अंदर मौजूद किस किस दुश्मन को निपटाने की फिराक में। देखिए अभी इस समय पर जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि उनके 3-4 जो बड़े बड़े किंग विन थे वो तो सब जेल में हैं। जी। तो और राघव चड्ढा जी जो दिल्ली के अंदर नंबर 2 हो सकते थे उन्हें वैसे पंजाब शिफ्ट कर दिया गया है। तो अब जो लेटेस्ट सुनने के अंदर आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी इस पर क्या कर सकते हैं, ऐसे सुनने में आ रहा है कि संजय सिंह, जिनकी राज्यसभा का अभी तक नॉमिनेशन नहीं हो पाया है, जो जेल के अंदर सदस्य अभी नहीं है, तो हो सकता है कि उनकी जो डॉटर है उनको दक्षिणी दिल्ली से चुनाव में लड़ाया जाए जी। और आतिशी को एक बार पुनः जी इस बार चुनाव लड़ाकर लोकसभा का नई दिल्ली से चुनाव लड़ाया जाए, जिससे वो पिछली बार भी हार गई थी, तो जो उनके एक अपने आप एक जब वो एक बार और हार जाएंगी तो उनका अपने आप जो है वो कम हो जाएगा। जैसे मनीष सिसोदिया हारते
हारते हारते जीते जी, थे जी, तो उनका पूरा कॉन्फिडेंस शेंक हो उनके गया, भतीजे को भी हरवा देगा। तो इसीलिए तो एक इन दो लोगों का बहुत चल रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के कहीं मन में यह है कि अगर आतिशी चुनाव जीतती हैं तो सुनीता केजरीवाल जी जो हैं उनकी धर्मपत्नी वो कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश हो सकती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है महिला कैंडिडेट होने के नाते अगर सुनीता जी को इस्टेब्लिश करना है तो उसमें एक आतिशी जो है वो बड़ा रोड़ा है, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये गलत फहमी हो जाती है कि आतिशी पढ़ी लिखी महिला भी है, पढ़ी लिखी महिला तो उनकी पत्नी भी है, लेकिन क्या है उनसे बहुत ज्यादा न्यूयॉर्क से डिग्री लेके आई हुई है और वो इस टाइम पे सबसे ज्यादा मंत्रालय संभाल रही है। तो ऐसा लगता है कि इस बार उनका जो मेन फोकस है वो आतिशी और संजय सिंह जी की जो डॉटर है उसको लड़ा, उनको चुनाव लड़ाकर वो संजय सिंह जी को भी ये बता देना चाहते हैं कि देखो भाई मैंने आपका एहसान उतार दिया, मैंने आपकी डॉटर को लड़ा दिया और आपका जब तक नहीं बन रहा था तब भी मैंने किया और जो है आतिशी को यहाँ पर लड़ा। मनीष सिसोदिया की पत्नी को भी चुनाव लड़ाने वो बहुत ज्यादा ये भी चर्चा चल रही है। मनीष सिसोदिया जी की पत्नी को चुनाव लड़ाने का उनका गणित था, परंतु अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज्यादा बीमार है और उन्हीं बीमारी का बहाना या उन्हीं बीमारी का पॉइंट बनाकर ही तो वो बार बार जो है मनीष सिसोदिया जमानत लेकर आ रहे हैं जी। तो अगर वो इतनी बीमार है तो वो चुनाव कैसे लड़ेंगी, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा, इसलिए मनीष सिसोदिया जी की जो धर्म पत्नी है उनको तो नहीं लड़ाएंगे ऐसा लगता है। और बाकी अरविंद केजरीवाल तो आप जानते हो रंग बदलने में जी माहिर है। तो आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की राजनीति के सातिर खिलाड़ी हैं, सचमुच इस बात को सभी पार्टियों के और सभी नेता जानते हैं और बहुत सारी पार्टी बहुत सारे नेताओं के पास राजनीति की जो सातिरता है उसका जवाब शायद नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखना यह है कि लोकसभा चुनाव जिसकी घोषणा अरविंद केजरीवाल पहले कर चुके हैं कि हम 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो नहीं जीत रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो उसके बावजूद जो कैंडिडेट उतारे जाएंगे सीट पे, आप मान के चलिए कि मैडम सीएम को दोबारा से लोग जो पार्टी के अंदर नंबर दो पे लाया जाएगा और जो नंबर दो है आरतीसी मार्लिनो उनको निपटाने की पॉलिटिक्स है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया को भी निपटाने की पॉलिटिक्स है, कैलाश गहलोत भी उनके निशाने पर हैं और संजय सिंह के जो परिवार के उनको लड़ाया जाएगा उन्हें भी निपटाने की जो राजनीति है इन चुनावों में, सचमुच बहुत मजा आने वाला है क्योंकि राजनीतिक पंडित जो है इसमें बहुत कुछ कह रहे हैं इशारों इशारों में जिसका परिणाम आने वाले समय में पता चलेगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। जय हिंद जय भारत।